नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की जानकारी देंगे कि पौष मास में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस एकादशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, एकादशी तिथि की पूजा विधि क्या है और द्वादशी तिथि में पारण करने का शुभ समय क्या होगा। ये जानकारी लेने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, इससे आपको सभी त्यौहारों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बड़ा महत्व है, इस एकादशी के समान दूसरा कोई एकादशी व्रत नहीं है। जो भी नव दंपत्ति अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन इस एकादशी व्रत को करने से या इसके महत्व को सुनने से भगवान विष्णु मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान संबंधी सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में दो बार आती है, एक पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं और दूसरा सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी आती है जो संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाली होती है। इस व्रत को करने से संतान से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। संतान की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि समान है। एकादशी व्रत करने से पहले दशमी तिथि के शाम के समय ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले संकल्प करें कि मैं यह पूजा और व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके पश्चात भगवान विष्णु के सभी एकादशियों में भगवान विष्णु के अलग अलग रूप की पूजा होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की विधिवत पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, पीला भोग पीले मिठाई का भोग लगाएं, उसके बाद से घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पूजा समाप्त होने के बाद भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात प्रसाद पूरे परिवार में वितरण करें और उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार से ये पूजा विधि करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। 2024 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी दिन शनिवार को शाम के समय 7:26 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 21 जनवरी दिन रविवार को शाम के समय 7:26 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने के कारण हम सभी लोग 21 जनवरी दिन रविवार के दिन एकादशी तिथि मनाएंगे। 2024 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी
व्रत का पारण का शुभ समय है 22 जनवरी दिन सोमवार को सुबह में 7:13 से लेकर सुबह 9:21 तक। इन शुभ समयों में आप पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आप सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें और एकादशी व्रत के दिन कथा अवश्य सुने। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी नव दंपति अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो वो एकादशी व्रत के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे उनकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनेंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये मंत्र इस प्रकार हैं। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। ये मंत्र आसान है। आप इसको, अगर आपके पास समय है तो आप इस मंत्र को 108 बार चंदन की माला से या हल्दी की माला से अगर जाप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।